प्रेयर के लिए जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। देन आफ्टर थैंक यू प्रेयर। थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट, so sweet. Thank you God for the food we eat, food we eat. Thank you God for the birds that sing, birds that sing. Thank you God for everything, thank you God for everything. Okay, then see it. You are with me. You are infinite. You are unique. My borders are inside. You are the wings beneath my fly. You define me. My potential inside. Today I pledge with all my might. I shall achieve you. My potential inside. Okay. After prayer, हम थोड़ा सा oral करेंगे. ठीक है? आपको ओरल जो हम यहाँ पे करते हैं, आपको एट होम आपके घर पे रोज रिपीट करना है। एवरीडे यू हैव टू रिपीट। ओके, तो हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? 7 डेज। विच आर दे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 7 डेज हुआ ना? ओके, देन 3 मील ऑफ द डे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ओके, देन नेम 5 फ्लावर्स। नेम रोज, लिली, मोगरा, सनफ्लावर, लोटस। ओके, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं बट हमने ओनली 5 फ्लावर्स के नेम बोले हैं। ठीक है, नेम प्रोडक्ट मेड बाय मिल्क। मिल्क से क्या क्या बनता है प्रोडक्ट्स, उसका हमें नेम बोलने हैं। ठीक है, बटर मिल्क, चीज, पनीर, मिल्क शेक, कर्ड, चॉकलेट्स, स्वीट्स, ये सारी चीजें किससे बनते हैं? मिल्क से बनते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें और होती हैं जो मिल्क से बनते हैं। ठीक है, हमें 5 और 6 से बोलना है। ठीक है, नाउ नेम 6 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 6। विच आर दे? रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। ठीक है, नाउ नेम 5 वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल कहाँ रहते हैं? वाइल्ड एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में। ठीक है, वो हमें ऐसा पेट और डोमेस्टिक एनिमल जैसे नहीं रख सकते घर में। ठीक है, वो बहुत डेंजर होते हैं, हमें उनके पास जाना भी नहीं होता है। ठीक है, हम जू में देखते हैं, है ना, केज में बंद होते हैं, वो होते हैं वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, तो वो कौन कौन सा है? लायन, टाइगर, जिब्रा, जिराफ, एलिफेंट, हिप्पोपोटामस, राइनोसोरस, ऐसे बहुत सारे हैं। मंकी, चिंपांजी, बहुत सारे होते हैं। हम वो आप जू में जाओ तो देखा, केज में बंद होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो बहुत वाइल्ड एनिमल होते हैं, इसके लिए उसे केज में बंद करके रखते हैं और जंगल में वो ऐसे घूमते हैं, जंगल में नहीं जाते। देन नेम 5 डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, फार्म एनिमल। फार्म एनिमल कौन सा होता है? जो हम घर में उन्हें पालते हैं, हम फार्म में ऐसा फार्म रखते हैं, उसे कहते हैं फार्म एनिमल। ठीक है, तो फार्म एनिमल बहुत यूजफुल होते हैं, इसके लिए वो फार्म एनिमल होते हैं। तो कौन कौन सा है? डॉग, गोट, काउ, शिप, हॉर्स, हैन, पिग, ये सब फार्म एनिमल है, हमें बहुत यूजफुल होते हैं, इसके लिए वो फार्म एनिमल, हम फार्म में रखते हैं। ठीक है, आपको ये सब याद रखना है और घर में रोज ओरल करना है। ठीक है, अब हम आज करेंगे कलर्स। हम करेंगे कलर्स, आपको कलर मेरे पीछे रिपीट करना है। विच कलर इज दिस? रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज,
white, black and blue. Okay? ये सारे कलर्स हमने देखे. मैं आज आपको एक न्यू कलर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी. विच कलर? कलर पिंक. गर्ल्स का फेवरेट कलर पिंक कलर. विच कलर इज दिस? पिंक कलर. पिंक कलर का और क्या होता है? पिंक कलर का ये लोटस होता है. ठीक है, पिंक कलर का ये आइसक्रीम का फ्लेवर भी होता है. तो विच कलर इज दिस? पिंक कलर. पिंक कलर का रोज होता है, लोटस होता है. पिंक कलर का हम ड्रेस लेते हैं गर्ल्स, है ना. तो विच कलर इज दिस? दिस इज अ पिंक कलर. सारे कलर्स में से आप देखेंगे तो आपको पिंक कलर अलग से दिखेगा. ठीक है, आपको चूज करना है. ओके, नाउ वी हैव टू डू नंबर्स. विच नंबर इज दिस? नंबर वन. विच नंबर? नंबर वन. विच नंबर इज दिस? नंबर टू. ओके, देन नंबर थ्री. विच नंबर इज दिस? नंबर थ्री. नंबर फोर. विच नंबर? नंबर फोर. फोर आफ्टर नंबर फाइव. फाइव सिक्स सेवन एट नाइन देन वन जीरो टेन. नाइन आफ्टर वन एंड वन जीरो टेन. आपको वन टू टेन राइटिंग प्रैक्टिस घर पे करना है ऑन बोर्ड और ऑन स्लेट, और आप नोटबुक में भी कर सकते हो स्क्वायर वाले नोटबुक में. ठीक है, नाउ इट्स लैंग्वेज टाइम. नाउ इट्स लैंग्वेज टाइम. लैंग्वेज टाइम में हमें क्या करना है? वर्कशीट. ओके, स्टिक ग्रे पेपर टियर ऑन द राइनो एंड क्रम्बल पेपर बॉल्स ऑन द हिप्पो. ये कौन सा एनिमल है? हिप्पोपोटेमस. राइनोसॉरस. ये दोनों एक जैसे ही सिमिलर होते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं, बट दोनों में क्या डिफरेंस है? ये राइनो के यहाँ पे हॉर्न होता है ऐसे, और हिप्पो के नहीं होता है. दोनों बहुत फैटी फैटी होते हैं, बहुत ह्यूज एनिमल होते हैं. ठीक है, उनके लेग्स भी छोटे छोटे होते हैं, उनके टेल होते हैं. तो हमें क्या करना है? ये हिप्पो है, उसमें हमें क्रम्बल पेपर लगाना है, और ये जो राइनोसर्स है उसमें हमें टियर पेपर लगाना है. ठीक है, तो हमें पहले ग्रे कलर का पेपर लगाना है. ये कौन सा कलर का पेपर है? ग्रे. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? हिप्पो को क्रम्बल पेपर लगाएंगे. ठीक है, हिप्पो को तो हमें ये पेपर को टियर करना है छोटा सा स्मॉल, और हमें इसे क्रम्बल कर देना है ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत सारे क्रम्बल्स कर देने हैं हमें. ठीक है, फिर हमें क्या करना है? ग्लू लेना है. फिर हिप्पो के बॉडी पे हमें ग्लू लगा देना है. ठीक है, ग्लू लगाने के बाद हमें क्या करना है? ये सारे क्रम्बल पेपर हिप्पो के बॉडी पे लगा देना है. सारी जगह पे लगा देना है आपको, जहां अच्छा लगे वहां सारे जगह आपको क्योंकि क्रम्बल पेपर लगा देना है. ठीक है, उसके लेग्स में भी लगा देना है. ठीक है, ऐसे करके आपको ये हिप्पो को क्रम्बल पेपर लगाना है. और ये है राइनोसॉरस, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है? हमें यहाँ पे ग्रे पेपर ही लगाना है. दोनों ग्रे कलर के होते हैं, इसके लिए हमें इसमें टियर पेपर लगाना है. ये पेपर को ऐसे करके टियर कर देना है, और हमें ग्लू लगाना है. राइनो में ग्लू लगा देना है सारी जगह पे. ग्लू लगाने के बाद हमें जो ये टियर पेपर हमने किया था वो सारी जगह पे राइनो पे हमें लगा देना है. ऐसे करके स्प्रेड कर देना है, बाहर नहीं निकालना है आपको, सिर्फ अंदर ही लगाना है. ठीक है, ऐसे करके आपको पूरी जगह पे लगा देना है. उसके हॉर्न पे भी, उसका हॉर्न व्हाइट कलर का होता है इसलिए हम उसके हॉर्न पे नहीं लगाएंगे. ठीक है, राइनो का हॉर्न व्हाइट कलर का होता है.
ओके ऐसे करना है हाँ। फिर हमें क्या करना है, वी हैव टू टर्न अवर पेज, ट्रेस एंड ड्रॉ द पैटर्न। ये सर्कल वाला जो पैटर्न है उसे हमें ट्रेस करना है। ऐसे करके आपको ट्रेस करना है, आपको स्लोली स्लोली करना है। ऐसे ये लाइन फिनिश करना है, ये लाइन फिनिश करना है, ये वाला लाइन फिनिश करना है, देन आपको ये अपने आप करना है, देन ये भी ओके। देन ये आपको डॉट्स नहीं है पर अपने आप करना है आपको ऐसे, ठीक है। देन वी हैव टू टर्न अवर पेज, काउंट द नंबर ऑफ स्टार्स एंड कलर देम, ट्रेस नंबर 10, ओके। हमें ये स्टार्स है, ये क्या है स्टार्स, उसे हमें फर्स्ट काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने स्टार्स है, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर, 10 स्टार्स, ओके। 10 स्टार को आपको कलर करना है, ये आप एक कलर भी कर सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट भी कलर कर सकते हो, ठीक है। और नीचे जो 10 दिया है हमें उसे ट्रेस करना है, कैसे, 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 0, ऐसे करके हमें ये वर्कशीट फिनिश करना है। आप कैसे करेंगे, हम आपको PDF फाइल भेजेंगे, PDF फाइल में से देख के आपको ये वर्कशीट कंप्लीट करना है, ठीक है।